जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र तिवारी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश का जो महासंग्राम है चुनावों का, वो एक तरीके से सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है पहले दौर का, अपने आप में क्या मायने रखता है, क्या इसकी अहमियत है? जी जी जितेंद्र जी, होकर ही लोकतंत्र सबसे ज्यादा सशक्त होता है, खासकर प्रधानमंत्री से लेकर और सत्ता को बनाने तक उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है और हमेशा से रही। तो मैं आज सुबह मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है लोकतंत्र को, ये मैं पहले सबसे पहले वोट डालकर ही निकला हूँ। तो ये काम मैं सबसे पहले कहूंगा कि सभी लोगों को जो अभी तक अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे जाकर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को मजबूत करें और सबसे पहले वोट देकर आए। अब आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है, 7 चरणों का पहला चरण है, क्या मायने रखते हैं? निश्चित तौर पर वेल विगन हाफ डन, 58 सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से खासा मायने रखता है, और एक जमाने में चौधरी चरण सिंह से लेके और वर्तमान राजनीति तक जो एक, जिसको कहना चाहिए एक अधिकार पूर्वक राजनीति जो है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती रही है। और अब उसका जो चुनाव हो रहा है, जो सुबह से मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, वो एक बहुत ही उत्साहवर्धक है कि लोग एक अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, खासकर युवाओं में भी वो जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। हम ऐसा समझते थे कुछ दिनों पहले तक कि इस बार रैलियां नहीं हुई, सभाएं नहीं हुई, उस तरह की कन्वेंसिंग नहीं हुई और नए तरीके से चुनाव हो रहा है, लोगों को सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से ही चुनाव में जाना पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है कि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी चीज होने वाली है, बड़ा बदलाव दिखने वाला है कि अब उस तरह की हाय हाय और बड़े नारे, बड़े होर्डिंग्स और बड़ी बड़ी रैलियां, चुनाव एक परिवर्तन लेता हुआ दिख रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इनका प्रयोग करके भी आप लोगों को मतदान केंद्रों तक ला सकते हैं अपनी सत्ता बनाने के लिए, सरकार में परिवर्तन करने के लिए, नई सरकार के गठन करने के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये बड़ा ट्रेंड दिख रहा है कि अभी जो 60% तक आए हैं हम लोग, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि यहां से ही शुरुआत होगी कि पहले चरण के मतदान में किसको बढ़त मिलने वाली है। बड़ी बातें बहुत सारी रही चुनाव में, किसानों का मुद्दा सिर्फ इस क्षेत्र में रहने वाला है, बाकी क्षेत्रों में ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि बाकी क्षेत्रों में किसानों के मुद्दे बहुत ऊंचे रहे। हम जानते हैं कि राकेश टिकैती इसी एरिया में रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा काफी प्रभावी ढंग से यहाँ उठता रहा है, और किसानों की राजनीति करने वाले चौधरी चरण सिंह जी भी इस क्षेत्र से आए हैं, अजीत सिंह जी भी इसी क्षेत्र के हैं, और जयंत चौधरी जी की राष्ट्रीय लोकदल, वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है, चुनाव लड़ रही है। तो एक प्रकार से किसान वाला मुद्दा इस क्षेत्र में प्रभावी है। दूसरा, कैराना भी इसी क्षेत्र में है, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह से लेके सब लोगों ने बताने की कोशिश की है कि कैसे कैराना से पलायन होता था। तो अब देखना ये होगा कि पहले चरण में किसानों की राजनीति प्रभावी ढंग से उभर के आई, या सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा का विषय लोगों को ज्यादा मुफीद लगा है या लोगों को ज्यादा अपील करता हुआ लगा है, ये अब एक देखने वाली बात होगी कि आज के जो पहले चरण के परिणाम आएंगे वो कैसे इंडिकेट, कैसे लोगों को बताएंगे कि ज्यादा जरूरत किस बात की है। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने विकास का स्वाद चख लिया है जितेंद्र जी, और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की जो बयान